इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। दोस्तों, सबसे आम कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन्स हैं। हम आज जिन रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करने जा रहे हैं वे हैं दहन अभिक्रियाएं, कंबस्टन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, संकलन अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शन और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। दहन अभिक्रिया सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन में होती है। प्रतिस्थापन केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन द्वारा होती है, जबकि संकलन अभिक्रियाएं केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन्स द्वारा होती हैं। आइए हम दहन अभिक्रिया कंबस्टन रिएक्शन से शुरू करते हैं। अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं। ये कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं जिनका अध्ययन हम कर चुके हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बनों से भी कज्जली ज्वाला निकलेगी। घर में उपयोग में लाई जाने वाली गैस अथवा केरोसीन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं, जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। यदि कभी बर्तनों के तले काले होते हुए दिखाई दें, तो इसका अर्थ होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध हैं तथा ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती हैं। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक हैं। तो दोस्तों, हम दहन अभिक्रिया कंबस्टन रिएक्शन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा एवं प्रकाश देने के लिए कार्बन यौगिक के दहन की अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया कहते हैं। आइए एक और उदाहरण पर चर्चा करें। एल्केन्स वायु में जलकर अत्यधिक ऊष्मा पैदा करते हैं, जिसके कारण एल्केन्स उत्कृष्ट ईंधन हैं। जिस अभिक्रिया में एक यौगिक ऑक्सीजन प्राप्त गेन करता है या उसमें से हाइड्रोजन का ह्रास लॉस होता है, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन कहलाती है। दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहा जाता है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं। अतएव इनको ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन क्या है और ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या हैं। चलिए अगले प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में जानें। ऐसी अभिक्रिया
जिसमें हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को कुछ अन्य परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन के हाइड्रोकार्बन का संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में मीथेन के केवल एक हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और हमें क्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। अधिक क्लोरीन की आपूर्ति करने से एक एक करके क्लोरीन द्वारा मीथेन के सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करना संभव है। इस तरह हम तीन और यौगिक डाइक्लोरोमीथेन या मिथिलीन डाइक्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम अगली अभिक्रिया के बारे में जानें। जिस अभिक्रिया में एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी एक उत्पाद को बनाने के लिए किसी अन्य पदार्थ के साथ संकलित होता है, उसे संकलन अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन कहते हैं। संकलन अभिक्रियाएं जैसे कि हाइड्रोजन क्लोरीन या ब्रोमीन के अलावा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की एक विशिष्ट गुणधर्म होते हैं। सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विआबंध और त्रिआबंध होते हैं, जैसे कि एल्कीन्स और एल्काइन्स, संकलन अभिक्रियाएं करते हैं। पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ विज्ञापनों में कहा जाता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। सामान्य रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए निकेल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के जोड़ को हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजनेशन कहा जाता है, और वनस्पति तेलों से वनस्पति घी तैयार करने के लिए इस हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल के बारे में जानेंगे।